नमस्कार, लेलोराम.com में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष। नागरिकता संशोधन बिल 2019 सोमवार आधी रात को लोकसभा में आखिरकार पास हो गया। 14 घंटे लंबी चली इस बहस में इस बिल के पक्ष और विपक्ष दोनों में बातें की गईं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जल्द ही भारत में NRC भी लागू हो जाएगा। तो ऐसे में आइए जानते हैं क्या है NRC और क्या है नागरिकता संशोधन बिल। नागरिकता संशोधन बिल 2019 सोमवार आधी रात को लोकसभा से पास हो गया। लोकसभा में 14 घंटे से ज्यादा चले डिबेट में इस बिल की खामियों और खासियतों पर लंबी चर्चा हुई। बिल के पक्ष में 311 सांसदों ने वोट दिया और विपक्ष में महज 80 वोट पड़े। क्या है NRC? बिल पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लेकर अवश्य आएगी और जब NRC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो देश में एक भी अवैध घुसपैठिया नहीं रह जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा, मानकर चलिए NRC आने वाला है। आपको बता दें कि इस वक्त सिर्फ असम में NRC की प्रक्रिया चल रही है। अब तक हुई कार्यवाही में लगभग 19 लाख लोगों का नाम NRC रजिस्टर में नहीं आया है। असम में ऐसे लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। NRC वो प्रक्रिया है जिसके जरिए देश में गैर कानूनी तौर पर रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे अवैध लोगों को देश से बाहर करने का वादा किया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? NRC यानी नेशनल सिटीजन रजिस्टर के निर्माण का मकसद असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों और वहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना था। अगस्त 2019 में आई अंतिम सूची में राज्य के 3.29 करोड़ लोगों में से 3.11 करोड़ लोगों को भारत का वैध नागरिक करार दिया गया। वहीं करीब 19 लाख लोग इससे बाहर हैं। फाइनल NRC में उन लोगों के नाम शामिल किए गए जो 25 मार्च 1971 के पहले से असम के नागरिक या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं। अब केंद्र सरकार का कहना है कि यह विधेयक असम की तरह ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। NRC से कितना अलग है नागरिकता बिल? NRC के निर्माण का मकसद असम में रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था, जबकि नागरिकता संशोधन बिल का मकसद पड़ोसी मुस्लिम देशों में रह रहे स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को नागरिकता देना है जो वहां की बहुसंख्यक आबादी द्वारा सताए जा रहे हैं। असम में रहने वाले ज्यादातर घुसपैठिए बांग्लादेश के हैं जो अवैध रूप से भारत में घुसे हैं। वहीं इस नागरिकता संशोधन बिल के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वैध रूप से भारतीय नागरिकता दी जाएगी। क्या है नागरिकता अधिनियम 1955? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ था, जिसमें बताया गया है कि किसी विदेशी नागरिक को किन शर्तों के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी, साथ ही भारतीय नागरिक होने के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं। पुराने से कितना अलग है संशोधित विधेयक? मौजूदा कानून के मुताबिक भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में कम से कम 11 साल रहना अनिवार्य है, लेकिन नए विधेयक में खास देशों में रहने वाले 6 समुदाय के लोगों के लिए ये अवधि 11 से घटाकर 6 साल कर दी गई है। साथ ही 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आए गैर मुस्लिम भी इस नियम के तहत नागरिकता के लिए पात्र होंगे। गैर मुस्लिम अगर वैध दस्तावेजों के बिना भी पाए गए तो भी उन्हें जेल नहीं होगी। लोकसभा में अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में रह रहे शरणार्थियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने घुसपैठियों और शरणार्थियों में अंतर भी स्पष्ट किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।